दासी, आपको कब पता चला कि दादी की तबीयत खराब? कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी की तबीयत कल रात से खराब हो, आपको अभी पता चला हो? नहीं, अभी रात को शिरडी से जब मैं आई तब सब कुछ ठीक था। आज सुबह दीदी को अचानक चक्कर आया, उनकी सांसें तेज चलने लगी, जब ही मैंने सबको बुला लिया और डॉक्टर को भी बुलाया बेटा। डॉक्टर, दादी ठीक तो है ना? क्या हुआ दादी को? इनकी शुगर और बीपी दोनों एक साथ बढ़ गई हैं। वैसे तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी, पर आज इनको पूरी तरह से रेस्ट करने देना, बेड से बिल्कुल भी ना उतरे। आई एम लीविंग नाउ, अगर इनकी शाम तक वीकनेस ठीक ना हो तो मुझे बुला लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अब कैसा लग रहा है आपको? तू आ गई है ना, ठीक लग रहा है। आपने दवाई ठीक से नहीं ली थी क्या? ऐसे अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई? छोड़ ना, ठीक हो जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ज्यादा कपड़े पैक नहीं करूंगी, एक दिन के लिए जा रही हूँ, ज्यादा कपड़े होंगे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाए। और वहां जाके अनाप शनाप मत खाइए। ठंड होगी ना वहां, ये जैकेट्स भी रख। कुछ नहीं, वो ठंड है तो जैकेट्स रख देती। ये क्या कर रहे थे आप? सीढ़ी चेक करो। मैं आपको चेक कर रही हूँ। मुझे तो पूरी दुनिया चेक करती है, तुम क्यों चेक कर रहे थे? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ, आप उसे अनपैक कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये क्या है? हाँ तो मेरा घर है, मेरे कपड़े, मैं जो चाहूँ करूँ। जी, आपके कपड़े, आपका सूटकेस, आपकी शूट, खुद पैक कर। अरे मजाक कर रहा था, सर हमेशा तुम्हारे नाक पर चढ़ा रहते हैं। मजाक कर रहे थे? और नहीं तो क्या? क्यों? वो मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सब करके? और नहीं तो क्या? अब देखो, अगर मैं तुम्हारा काम खराब करूंगा तो तुम उसे दोबारा करने में टाइम लोगी, और जितना टाइम लोगी उतना टाइम मेरे साथ रहोगी ना। सुबह से शाम तक तो आपके साथ ही रहते, और कितना टाइम स्पेंड करना आपको? अगले 24 घंटे तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी ना। मेरे साथ तनु रहेगी जो मेरे साथ काम करेगी, लेकिन मेरा ख्याल रखने के लिए तुम नहीं रहोगी, तो सोचा कि तुम्हारी कुछ यादें अपने साथ ले जाओ। आप सच कह रहे? धरती माँ की कसम, अब इतना सच बोल दिया तो एक सच और सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बैग पसंद नहीं है। आप इतनी देर से इस बैग के बारे में कह रहे थे? और नहीं तो क्या, ना खटारा बैग, ऐसे लग रहा है किसी सड़ेल टीचर का बैग। I'm a rock star, मुझे एक cool happening बैग चाहिए। What is this man? तो पहले नहीं बता सकते थे, इतनी देर से टाइम पास क्यों कर रहे थे? कब से बोल रहा हूँ कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, और तुम? खुद आकर देख लीजिए कौन सा बैग चाहिए। चलो अब आप खुद ही बताइए कौन सा बैग चाहिए आपको। ये वाला? अरे एक दिन के लिए जा रहा हूँ, एक साल के लिए नहीं ना। For a day, not for a... एक मिनट। ये रेड है ना, ये भी अच्छा। ये बहुत छोटा है, इसमें तो मेरे जूते ही आएंगे। वो ये देखिए, इतना स्मार्ट है ये लेदर वाला, बहुत ही सुंदर। पर इसमें व्हील्स नहीं है ना, इसे उठाकर घूमना पड़ेगा। Can't drag it. अब आप खुद ही ढूंढ लीजिए। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। सॉरी, मेरा हाथ ठीक है?
तुम अपना दिखाओ ठीक है। आप रहने दीजिए प्लीज। मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? आपके मजाक की वजह से मुझे हमेशा क्यों चोट लगती है? ठीक है अब मजाक नहीं करूंगा, अब सीरियसली पैकिंग करते हैं और अब मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। ओके एक सेकंड। आराम से। अच्छा तुम आ गई। मेरा वो सीडी प्लेयर का है? वो ब्लू वाले बैग में रखा है। और मेरे सारे सीडीज आपको दी थी ना? हाँ वो तो तुमने दी थी। अच्छा मेरा जो बाकी का अरे वो सब कुछ मैंने बैग में रख दिया और एक लिस्ट बनाकर रखी है जिसमें लिखा है कौन सा सामान कहाँ रखा है। आपको कोई परेशानी नहीं, लिस्ट होगी ना आपके? पर तुम तो नहीं होगी ना? हाय कमाल कर रहे हैं आप, इतनी भी सिक्योरिटी की आदत मत डालिए कि हर चीज में इसकी जरूरत लगे। कल को ये मत कहिएगा कि हनीमून में भी ये चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है, I'm sure ये निकू वो सारा काम भी कर लेगी। एक से वाले दो से वाले तीन, नहीं पसंद जापान तो चलो चीन। क्यों नहीं ना, अभी हमें लेट हो रहा है, चलो। क्या कर रही हो, हाथ निकालोगी क्या? Excuse me. Bye. Bye. Come on. Bye. Have fun. Yeah, yeah. I will. Are you okay? Yeah, yeah. I'm okay. Nah. सब ठीक है ना? हाँ मेरा क्या ढूंढ रहे हो? मेरा इनहेलर ढूंढ रहा हूँ, यहीं पर होना चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा? निकू उसे कहा था सब कुछ ठीक से रख देने। रुको अब उसकी क्लास लेता हूँ। इतना तंग करती थी सरला जी को? मैं कहाँ दादी, वो मैं किसका है? इन्हीं का है। ओ, मुझे पता था इसके बगैर तो उसे चैन आने वाला नहीं है। हेलो आप पहुँच गए? हाँ जानूम पहुँच गया हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं? कहा था तुमसे ना सामान चेक करके डालने के लिए, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? हाँ मैंने चेक तो किया था। क्या चेक करके डाला? कहाँ है मेरा इनहेलर? आप पहले शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए, वो हैंड बैग है ना उसके लेफ्ट पॉकेट में है इनहेलर, चेक कीजिए आप। अरे अभी चेक तो किए, रुको तुम एक मिनट, चेक करता हूँ। चेक कर हेलो सॉरी इनहेलर वही वाले पॉकेट में था, फालतू में मैंने तुम्हें इतना डांट दिया। कोई बात नहीं। अच्छा क्या कर रही हो तुम? मतलब क्या मतलब, बॉस हूँ तुम्हारा, पूछ रहा हूँ तुमसे काम कर रही हो, काम चोरी कर रही हो, कर क्या रही हो तुम? मैं दादी के साथ हूँ। अभी ये हमारे साथ ही है, लीजिए बात कीजिए। हेलो अरे दासी आप लोगों का ख्याल रख रही है ना, आराम तो नहीं करिए कुछ? अरे नहीं बेटा तू फिकर मत कर, ये हमारे पास ही है और दीदी भी ठीक है, तू बस अपना ख्याल रख वहाँ पर। दादी कैसी तबीयत है आपकी? ओए मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसा है? अपनी सेक्रेटरी के बगैर छोटी छोटी बातों के लिए उसे फोन करता रहता है। इतना ही था, तू उसे साथ ही लेके जाना था ना? अरे दादी मैंने बोला था उसे आने के लिए, उसी ने मना किया। और कोई नहीं पुत्र, जब लंबी छुट्टियों पे जाएगा ना साथ ले जाना तू। हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है, उसे ले जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, वी विल हैव अ बॉल है ना? अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अच्छा दासी दादी एंड फुगी मैं रखता हूँ। और ए फुगी आते वक्त तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए ना लोनावला से चिक्की फज और क्या क्या मिलता है वड़ा पाव सब ले आऊंगा। तुम्हारे लिए अच्छा रखती हूँ। थैंक गॉड प्रज्ञा ये आने के लिए नहीं मानी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।